बेमौसम बरसात से जिले के तावड़ू खंड में ओलावृष्टि, तेज हवा तथा बरसात के बाद खराब हुई सरसों व गेहूं की फसलों के अलावा जिले के पुनहाना उपमंडल सोहना इत्यादि अन्य क्षेत्रों में हुई बरसात को लेकर सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि अधिक बरसात के कारण वर्ष 2021 में भी फसलें खराब हुई थी। विधानसभा से लेकर सड़क तक बातें प्रमुखता से उठाई गईं। सरकार के खाते में तो मुआवजा राशि आई, लेकिन किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया मुआवजा राशि का कोई भी लाभ। सीएलपी उपनेता ने कहा कि वर्ष 2022 में भी जल भराव के कारण फसल खराब हुई थी। कांग्रेस ने मजबूती से मुद्दा उठाया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी सरकार द्वारा की जा चुकी है। अब वर्ष 2023 में भी किसानों को पकी हुई फसल इस बार सरसों और गेहूँ की बर्बाद हुई है, इसकी तुरंत सरकार को गिरफ्तारी करवानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खराब फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। विधायक आफताब अहमद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखते हुए कहा कि पिछले 2 सालों की फसल खराब का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। उन्होंने इस प्रकार मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार किसानों की सच में हितैषी है तो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी कराकर किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं शाबिर खुर्शीद इत्यादि किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए। देखिए, एक तो ये मेवात क्षेत्र है, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और ऊपर से जो ये कल जो ओलावृष्टि हुई है, इससे बहुत नुकसान हुआ है और किसान ऐसे ही खाद बीज और सरकार की जो नीति से परेशान चलता आ रहा है और ऊपर से ये कुदरती जो मार हुई है, तो बहुत मैं समझता हूँ कि यहाँ जमींदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। देखिए, गूंगी बहरी सरकार, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप हमारे मीडिया से साथ ही जुड़े हुए हैं, सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जो पार्टी है ये जुमला पार्टी है। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने पहले जो मुआवजों की घोषणा की है और वो वक्त पे नहीं मिलता है, तो मैं सरकार से, मेरी ये डिमांड है कि आप सरकार, ये गरीब लोग हैं, ये किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनका जीवन यापन इसी चीज़ से चलता है। आप जल्द से जल्द इन लोगों का जो मुआवजे की जो प्रक्रिया होती है उसको कम्प्लीट करके इनको मुआवजा प्रदान करने की कोशिश करें। 2021 से चल रही है अत्यधिक बारिश, असामयिक बारिश से 2021 का जो मुआवजा है वो सरकार ने इतनी बार विधानसभा में धरना प्रदर्शन मिनी सेक्रेटरीट पे किया गया, बार बार आवाज उठाई गई, वो अभी सरकार के खाते में तो आया लेकिन किसानों के में नहीं आया। और जो कल की प्रकृति मार हुई है ओलावृष्टि की, और उससे पहले 2022 में भी जो जल भराव के कारण फसल खराबा हुई थी, उसकी भी हमने बार बार मांग उठाई, उसकी गिरदावरी हुई है। 2021 का मुआवजा नहीं आया, मैं समझता हूँ 2022 का मुआवजा सरकार जो है तुरंत उसे लोगों को 21 को दे, 22 वालों को दे, और कल के लिए फिर से किसानों की भरी पूरी फसल, बहुत अच्छी फसल थी सरसों की और गेहूं की, वो बर्बाद हुई है, उसकी तुरंत गिरदावरी करें और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा, और ऐसा मुआवजा ना दे कि इस साल का मुआवजा 2024-25 में जाके दिया जाए। हम ये मांग करते हैं कि स्पेशल गिरदावरी करके तुरंत जो है किसानों को राहत दी जाए। खुर्शीद जी, किस तरह से इलाके में बरसात हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, कई जगह फसलें खराब भी हुई है, क्या मांग करना सरकार से? सरकार से यही मांग है जी, जितनों भी मतलब जमींदारों को नुकसान हुई हो कल जो बरसात से ओला गिरे, हाँ, इलाके में या को मुआवजा दिया जाए, और पिछली साल को मुआवजा भी अभी तक बकाया है। मंत्री साहब ने कई बार संसद में भी आवाज उठाई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना हुई। हम चाहें सरकार से मतलब जो है कि मदद की जाए। किस तरह से फसल पककर तैयार थी, कौन कौन फसल को नुकसान? ये सरसों की फसल थी, गेहूं की फसल थी और तरह तरह की फसल, बाड़ी वगैरह भी बो रखी थी जमींदारों ने।